सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है। Hey guys, what's up? This is Ravin Singh and you watching our YouTube channel, The Travel Soldiers. So guys, I hope all of you fit and fine and thank you so much for your support and love and let's start to this vlog. दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेरे होम टाउन यानी जौनपुर के उत्तर प्रदेश और मैं अभी हूँ हावड़ा वेस्ट बंगाल में। तो आपको लोगों को पता है कि मैं जॉब के पर्पज से यहाँ पे रहता हूँ हावड़ा वेस्ट बंगाल में और मेरी फैमिली रहती है जौनपुर उत्तर प्रदेश में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कल मैं अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहा हूँ यूपी और आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, फिर रास्ते में हमने क्या क्या मस्ती किया, क्या फ़न किया, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आपको भी पता होगा कि अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं और कभी दिनों बाद अगर आप मिलने जाते हैं वो अलग का यार एक्साइटमेंट होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ये ब्लॉग पूरा टिल एंड तक देखिएगा। और मेरी जो ट्रेन है यानी कि मेरा जो ट्रैवल का साधन इस बार होने वाला है हिंदुस्तान की आनबान शान हमारा रेलवे हिंदुस्तान, तो वो जो टाइमिंग है ट्रेन की हावड़ा स्टेशन से मिलेगी मुझे 8:15 बजे और ये ट्रेन जो है मुझे जौनपुर के लिए डायरेक्ट नहीं जाती है तो ये ट्रेन मुझे बनारस तक ड्रॉप करेगी और बनारस से मुझे 2 घंटे लगेंगे मेरे जौनपुर जाने के लिए और जौनपुर से फिर कोई आएगा मुझे पिक करने के लिए। तो जो इसकी टाइमिंग है जो बनारस पहुँचने की वो लगभग 7:15-7:30 बजे है, बट आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो आनबान शान रेलवे हिंदुस्तान है हमेशा टाइम पे नहीं रहती है, ये कभी कभी टाइम रहती है और मैक्सिमम टाइम लेट पे होता है। तो हम पकड़ के चल रहे कि हम लोग 8-9 बजे भी अगर बनारस पहुंच जाते हैं तो वहाँ से मुझे 2 घंटे लगेगा बस पकड़ के जौनपुर जाने के लिए और मेरा दोस्त वहाँ पे एक बार जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से 1/2 घंटे में मैं घर। तो यार क्या क्या इस ब्लॉग में मस्ती होने वाला है, क्या फन होने वाला है, कैसा मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा इस ट्रैवल का, इस ट्रिप का, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं पैकिंग कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने पैकिंग किया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हावड़ा जो तरह स्टेशन जहाँ से मैं ट्रेन मिलेगी हावड़ा के लिए, फिर वहाँ से मैं हावड़ा से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा मेरे डेस्टिनेशन। तो आप कई बार रामला जो तरह स्टेशन देखे होंगे, फिर भी मैं सोचा ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए पीछे हावड़ा के लिए ओला कैब मेरे को लेना पड़ा क्योंकि रामराजा तला स्टेशन से जो रूट है ट्रेन का वो बहुत ही कम है। तो लास्ट बार मेरा ट्रेन छूट गया था इसकी वजह से मुझे इस बार ना हो, इसलिए मैंने ऐसा कर किया और जल्दी से ओला कैब बुक कर लिया है। अगर भाई आधा एक घंटा जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। पहुंच गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पीछे हावड़ा और बारिश हो रही है, वेदर इज़ नॉट गुड, तो मैं ज़्यादा कैमरा शूटिंग नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, आपको कैमरा शूटिंग बोला सॉरी वीडियो शूटिंग नहीं कर पाऊँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पीछे बाहर में। ये रहा पूरा हावड़ा स्टेशन। यही है पीछे फूड प्लाजा जहाँ पे जाना है, कुछ खाना पीना है, थोड़ा फिट पूजा करते हैं, उसके बाद कोई कोई काम दिया करते हैं। Thank you.
सब है हिंदुस्तान का और बेस सब भी से, और फिलहाल अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और अच्छा, काफ़ी अच्छा ही है कि भाई थोड़ा समय से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि ट्रेन जब छूट जाती है ना उसके पीछे भागना यार बहुत ही ख़राब लगता है यार। छूटने वाली होती है तब तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी इंतजाम से आराम से वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे मेरी सीट मिल गई है और ये जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, ये ट्रेन का नाम है अमृतसर एक्सप्रेस 13005 और यहाँ से लगभग 12-13 घंटे ट्रैवलिंग के बाद मैं पहुँचूँगा दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। पुराना नाम था इसका मुगलसराय जंक्शन। और वो दुखद घटना क्या थी जो मैं बोल रहा था आपको बताऊँगा, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड सीन कुछ इसका ऐसा। मेरी एक्चुअली क्या ये अपर बर्थ मुझे मिला हुआ है और ये भी टिकट जो मैंने बुक किया है कितने मतलब मेहनत के बाद और न जाने कितने पुण्य किए होंगे तब जाके मुझे ये टिकट मिली है। बट ट्रेन में ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही अलग है। फर्स्ट क्लास सीट मिल गया, अभी आराम से सोते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरी वो दुखद घटना। तो दुखद घटना ये है कि दोस्तों मैंने बताया था आपको जो मेरी ट्रेन में जो पकड़ने वाला था वो जो ट्रेन था वो सुबह आज सुबह 8:15 बजे मिलने वाला था और मैंने वही टिकट बुक किया था। बट ड्यू टू सम रीज़न, अब वो रीज़न भी मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। एक्चुअली क्या था, मैंने अलार्म लगाया था कि मैं जल्दी सो के उठूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली अलार्म बजने के बाद भी मुझे पता नहीं लगता है टाइमिंग। बट मैं सोच रहा था यार कि आज कोई कुछ भी हो जाए एनी हाउ मैं टाइम पे उठूँगा और जाके ट्रेन पकड़ूँगा। बट यार ऐसा नहीं हुआ, जो अलार्म लगा था मेरा नींद भी खुला, फिर मुझे कब मैं सो गया मुझे फिर पता नहीं लगा और मैं सपने में ही देख रहा हूँ मैं तैयार हो रहा हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, फिर मेरी जब अचानक नींद खुली तो मैं देख रहा हूँ यार 8:15 बजी है, मतलब 8:15 बजे जो ट्रेन मिलने वाली थी मेरे को हावड़ा लालपुर एक्सप्रेस, उस टाइम पे मैं सो के उठ रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेरी वो ट्रेन छूट गई और इतना अफसोस कर रहा था मैं। उसके बाद देखो मेरी किस्मत को, मैंने दो टिकट और बुक किए किसी भी तरीके। दो टिकट वो कैसे बुक हुआ, क्योंकि मैंने एक बुक किया था, एक बुक किया एसी का टाइम पे जो लगभग 10 बजे खुलता है, तो वो मैंने टिकट बुक किया वहाँ पे दिखा रहा था 27 या 28 सीट अवेलेबल है। बट मैंने जैसे ही पेमेंट किया और पेमेंट होने के बाद जो मेरे पास टिकट आ रहा है उसमें दिखा रहा है तत्काल या वेटिंग में चला गया, तो फिर मुझे कंफर्म सीट नहीं मिला। मैंने उस टिकट को कैंसिल मारा। उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मतलब इतना तेज़ लोगों का बुकिंग है और ये जो एजेंट होते हैं ना वो लोगों के पास ऐसा कोई एजेंट को या सॉफ्टवेयर होता है, वो लोग ऐसा मारते हैं कि फटाफट सब सीट बुक हो जाता है। और छुट्टी का टाइम भी है, सीज़न है, बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो फिर मैंने 11 बजे का वेट किया और 11 बजे जब मैंने स्लीपर का जब टिकट ओपनिंग होता है तो मैं उस समय जब टिकट बुक करने लगा तो वहाँ पे क्या दिखा रहा था 117 सीट है। मैंने बोला यार कमाल की 117 सीट तो बहुत है, आराम से बुक हो जाएगा। मुझे एक मिनट लगा था सिर्फ बुक करके मेरे को पेमेंट करने में, उतने में दिखा रहा है वो भी 26 चला गया वेटिंग में। मतलब यार कमाल है, इतना जल्दी जल्दी टिकट बुक हो रहा था, ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। और फिर मैं तो सोचा कि आज तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, अब क्या करें। बस सोचते सोचते इसी में दिन चला जा रहा था, अब तो कैसे जाऊँगा घर, कैसे जाऊँगा। और तब तक मेरे एक दोस्त का याद है जो जिसने अभी न्यू ट्रैवल एजेंसी खोला है और ओम गुप्ता ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल बोल के खुला है। मैंने उसको कॉल किया, बोला भाई ऐसी सी बात है, और उस बंदे ने यार किसी भी तरीके से मेहनत करके कैसे भी करके VVIP जाके उसने टिकट निकाला, तब जाके मुझे आज रात का ही टिकट मिल गया और ये ट्रेन मिला मुझे 13005 ट्रेन का नंबर है। और अभी देखते हैं इसका ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मुझे भी एसी का टिकट मिल गया, मैं सोच रहा था कल बुक करूँगा कि परसों बुक मिलेगा कब मिलेगा, बट ये उस बंदे ने यार हेल्प की और मुझे ये टिकट मिला और फाइनली मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग कर रहा हूँ। तो यही मेरी जो दुखद घटना थी, मैं सुबह से बहुत ही उदास था, अब जाकर थोड़ा हैप्पी फील हो रहा कि हाँ भाई मुझे अब ट्रेन मिल गई है और मैं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मानी कि मुगलसराय उतरूंगा। और मुझे एक्चुअली जौनपुर जाना था, पर तो जौनपुर के लिए डायरेक्ट वहाँ तक कोई कन्फर्म सीट नहीं मिल रही थी,
अभी मुझे वहाँ पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से कोई बस लेना पड़ेगा, बस लेके मैं जौनपुर उतरना पड़ेगा, उसके बाद कोई बंदा आएगा लेके जाएगा, मतलब मेरा दोस्त कोई। तो बाय बाय, गुड नाइट, अगर हो सके अगर बीच रात में अगर मैं जाता हूँ फिर आपसे बातें करूँगा। मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 6:40 और मैं अभी सो के उठ रहा हूँ। लॉक तो खुल नहीं रहे एक्चुअली, ये तो पूरा लॉक किया हुआ है, तो बाहर का सीन मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ये है बाहर का सीन। और मैं अभी पहुँचा हूँ बक्सर, लगभग 2 घंटे लगेंगे हमें मुगल सराय जंक्शन जाने के लिए। तो थोड़ा सा समय और कटा है, उसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यानी कि मुगल सराय जंक्शन। तो पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, और अभी मुझे बाहर निकल के बनारस के लिए या तो डायरेक्ट जौनपुर के लिए अगर बस मिल गई तो वेल एंड गुड, देखते हैं आखिर क्या होता है आगे। ट्राई करते हैं यार, अरे परेशान करके रख दिया ये रिक्शा वाले। चलो भैया यहाँ से रोडवेज नहीं मिलेगी, रोडवेज नहीं मिलेगी, मैं लेके चलता हूँ। अरे कहाँ तक लेके जाओगे भैया? बनारस, और जितना आराम से मैं हावड़ा से मुगल सराय आया उससे ज़्यादा मुझे कठिनाई झेलना पड़ा आपका मुगल सराय से बनारस आने के लिए। तो वो मेरे साथ एक छोटी सी और एक परेशानी हुई इस ट्रैवल में, इस ट्रिप में, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए वो मेरे साथ क्या घटा, वो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी सी बातें करते हैं। देखा मेरे साथ क्या परेशानी हुआ, और मुझे तो लगता है यार हमारा देश इस मामले में कभी सुधरेगा नहीं, और ऐसे ही हमें भूसे की तरह भर के किसी भी वैन में ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो भैया एक चीज़ मैं समझ में आ गया है कि अगर आपको इंडिया में ट्रैवलिंग करना है तो भैया आपके अंदर कुछ कला होना चाहिए, जैसे कि आपको वैन के छत से उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा लटकना आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको गधे और भेड़ बकरियों की तरह ठूस के कहीं भी बैठ के एडजस्ट करना होगा। तीसरा, तो सबसे बड़ा कलाकारिता का बात यह है कि आपको वो जो वैन का पहिया होता है उसमें लपटना भी आना चाहिए ताकि और आप अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकें। तो चले
इसी के साथ आगे की यात्रा पूरी करते हैं। अभी मुझे वाराणसी से डिपो मिल जाएगा जौनपुर के लिए, उसके बाद आगे में क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये दो तीन कला आप अपने अंदर में क्रिएट कर लीजिए, वैन से लटकना, आड़ा टेढ़ा, और उसके बाद फिर पंजे में लपटना, और न जाने क्या क्या। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे की यात्रा पूरी करते। आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा जूस का सेवन करते हैं। दादा जूस कितने का है? दादा जूस कितने का है? एक दे दीजिए, 30 का दे दीजिए, 30 का दे दीजिए। थोड़ा जूस का सेवन करते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमक रहेगा भैया? हाँ नमक रहेगा। ये मेरे पीछे मेरे रोडवेज है जहाँ से मुझे बस मिलेगा जौनपुर जाने के लिए। अगर सुबह सुबह किसी भी फल का जूस मिल जाए ना भाई, बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बट नसीब ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस का जो टाइम होता है ऐसा भागम भाग रहता है कि कुछ खाने पीने का सुध नहीं रहता है। और ऑफिस टाइम में तो मतलब कब खाना होगा, कब पीना होगा, मतलब कुछ ठीक नहीं हो पाता, इतना काम में बिज़ी रहता हूँ। बट अभी अब घर आ गए हो तो सही टाइम पे खाना सब कुछ मिलता रहेगा, अभी तो फ्री रहेंगे थोड़ा। तो भैया मैं हूँ अभी बनारस, बाबा भोलेनाथ की बसाई हुई नगरी, जिसका प्रमाण आपको ग्रंथों में भी मिलेगा कि ये कितनी पवित्र नगरी है। और अब यूपी आया हूँ तो बनारस का भी एक ब्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, देखते हैं कब करता हूँ। बनारस का कैंट बस स्टॉप, जहाँ से आपको बस मिल सकती है कहीं पे भी जाने के लिए। तो पहले जौनपुर के लिए मैं बस खोजता हूँ, उसके बाद फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। आप बने रहिएगा, पूरे ब्लॉग मिल गई है और मैं अभी बस में बैठा हूँ। बस पूरा देख सकते हैं, पूरा खाली है, थोड़ा बहुत भीड़ होगा, थोड़ा भी नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में, और क्या है, भूसे की तरह भर के जाएंगे लोग। तो मैं बात कर रहा था बनारस का, तो मैं अभी यूपी आया हूँ तो बनारस का भी एक ब्लॉग बनाऊँगा बहुत जल्दी, और आपको दिखाऊँगा बाबा भोलेनाथ की नगरी। जय भोलेनाथ। बस निकल पड़ी है जौनपुर के लिए, लगभग 40 मिनट से यार लगभग वेट करना पड़ा। शहर जौनपुर, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे क्लोज़ फ्रेंड, अभी थोड़ा फ़ोन पे व्यस्त हैं, बाद में इनसे परिचय करवाता हूँ आपका। और अभी यहाँ से मुझे शायद लगे 30 मिनट्स या उससे भी कम या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बीच में एक रिलेटिव भी है उनसे भी मिलना है, उसके बाद में फिर घर पहुँचूँगा। और बस वाले के ने भाई जो टाइम लिया है ना, हम लोग निकले जिस टाइम से वहाँ पर निकले, वहाँ से लगभग 2 घंटे में जौनपुर पहुंचना चाहिए था, वो आधे एक घंटे लेट हमें पहुंचा है जौनपुर। इतना स्लो चला रहा था बंदा वो बस, कि बहुत ही मतलब हंसी आ रही थी। एक तो एक लेडी थी थोड़ी ओल्ड, तो वो तो बोली थी उनके घर से परिजन से किसी को फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि भैया घर वालों को बोला कि तुम लोन जौन शैम्पू से नहा के रहा रेडी, हम आवा रही शैम्पू से, उसका एक गाना है ना टेम्पू आवाजानी टेम्पू, ऐसे ही कुछ गाना है भाई भोजपुरी का, मैं बैकग्राउंड में प्ले करता हूँ, आप लोग सुन ही लीजिए। देखो भाई, तेरा नहीं
तो भाई ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया था, जन कल्याण सेवा समिति। अगर आप जौनपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही लग गया होगा ये कहाँ का सीन है और कहाँ इंस्टीट्यूट है। ट्रैफिक लग गया है यहाँ पर, हमारे जौनपुर में ऐसे ही होता है, ट्रैफिक लगा नहीं कि फिर गाली गलौज शुरू हो जाता है। ये रहा आपका होटल रिवर व्यू, जो बहुत ही फेमस होटल है जौनपुर का। ये है नारायण नर्सिंग होम, हॉस्पिटैलिटी की बहुत अच्छी सुविधा है हमारे जौनपुर में। शहर छोटा है बट सुविधा है। सवारी कर रहा हूँ बाइक का, और ये है जौनपुर की पतली पतली गलियाँ। अगर आप इसे आएंगे, नए होंगे तो भटक जाएंगे, और हम लोगों का तो गाड़ी से आना पड़ना है। देख सकते हैं पीछे गाँव का थोड़ा थोड़ा फील आने स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल मैं अभी घर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, हमारी जो ट्रिप है आगे बढ़ रही है। और ये जो पीछे में है वो है भंडारी स्टेशन। मेरे एक रिलेटिव आए थे, मैं उनसे मिलने गया था। तो अभी और कुछ करते हैं आगे की तरफ। ये देखो पीछे में ये रहा आपका भंडारी स्टेशन, और ये ट्रेन जा रही है बाईपास। और ये जो रोड है ये सीधी चले जाती है लोपिया धाम, जो कि जौनपुर का बहुत ही फेमस धाम है। बहुत तो शायद वो भी पाए आप। और यहाँ पे एक शायद नया ढाबा खुला है, बजरंगी दिखा रहे हैं नया। जब मैं इसी रूट से यानी कितने दो तीन साल तो लगभग यहाँ गया, और एक कॉलेज है जहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट का पढ़ाई भी कंप्लीट किया था। ये होटल खाना खजाना जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, और ये है आपका खजाना, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे। आप नियरेस्ट में अगर फेमस मंदिर आने वाला है एकदम मोड़ पे ही कुतुब और बाईपास का जो है बाबा भोलेनाथ का मंदिर। सवानी करने के लिए मैं तो कुछ और खाऊंगा, बट शायद मेरे मित्र कुछ ना खा पाए क्योंकि वो अभी नवरात्रि में व्रत रखे हुए हैं 9 दिन का। चलिए मैं परिचय भी करवा देता हूँ आपको, इसी बहाने इनसे परिचय करवाते हैं। ये है मेरे बहुत परम मित्र मुन्ना सिंह उर्फ बजरंगी, और इनकी काफ़ी अच्छी चलती भी है यहाँ पे। और ये है हमारे जौनपुर की मिठाइयाँ, और ये है हमारे जौनपुर का चाट जो बहुत ही फेमस है, और मैं तो यहाँ पे जब भी आता हूँ तो खाता ही हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इनका तो नवरात्रि का व्रत चल रहा है अभी 9 दिन का। कंट्रोल तो नहीं हो रहा है मुन्ना सिंह से, बट क्या करें, मजबूरी है। अभी माता रानी के नाम पे अगर व्रत रखे हैं तो उसे पूरा करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी बात है यार 9 दिन का व्रत रखना। मैं तो 1 दिन भी नहीं रख पाता हूँ। सोच रहा हूँ घर के लिए ये वाली मिठाई ले लेता हूँ, 2 किलो दे दीजिए। ये है कुत्तूपुर चला, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और ले लिए हैं घर के लिए मिठाई, और उसके बाद घर जाके फैमिली से मिलते हैं। हम वेरी एक्साइटेड, अभी जितना घर के साथ निकल रहे हैं और घर के लिए मिठाई भी ले ली है, और अभी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है जितना ही जल्दी घर के पास हम पहुँच जाए, बस यही सोच रहे हैं। पीछे का बैकग्राउंड आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आगे आगे तक जाएगा। ये पीछे वाला मेरा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, ये उसका एक नंबर गेट, और इसके बाद एक बहुत बड़ा गेट आएगा मेन एंट्री गेट, जिसके थ्रू आप अंदर पूर्वांचल में जा सकते हैं। दोनों ही तरफ, इस तरफ और ये तरफ, दोनों ही तरफ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। और ये रहा
ये रहा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का गेट जो कि अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में डाला गया है इसको फिर से। और ये इस तरफ भी जो देख रहे हैं ये भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। दोनों ही तरफ आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा और ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बसा हुआ है। पीछे का ये देखिए नया बिल्डिंग बन रहा है क्या यहाँ पे। ये देखिए फिर से यहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा है यार। कितना बड़ा ये बनेगा यूनिवर्सिटी। इसमें देख के बोलो इस तरफ से ये एक्चुअली बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। अगर हम आपको दिखाना भी चाहें तो पैदल घूम के दिखा नहीं पाएंगे आपको। फिर बाहर से आप इसके लिए बहुत धन्यवाद मिल रहा है आपको। और यहाँ से न्यू जर्नी स्टार्ट होती है बकरा मोड़ के लिए जहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ राइट साइड जाएंगे। बकरा मोड़ पे आ गए और यहाँ से टर्न ले रहे हैं राइट साइड की तरफ और जय भोलेनाथ। यहाँ पे भोलेनाथ का एक मंदिर था उसलिए बोल रहे हैं आपको। और ये सीधा रास्ता जाएगा हमारे मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ, जहाँ से हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे। शाम के वक्त ये मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है। अभी ये मार्केट में कुछ आपको दिखेगा नहीं खास, पर शाम के वक्त अगर आप इस मार्केट में आएंगे तो आपको ये एकदम चकाचक मार्केट दिखेगा। आप लोग भी बोल रहे हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली देख रहे हैं। अभी गांव का स्टार्ट हो गया तो यहाँ से आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगा। ये पीछे मेरे गांव की शुरुआत हो रही है, ये पीछे जो मार्केट है। और यहाँ से अभी हम राइट लेंगे, उसके बाद फिर घर यहाँ से हार्डली 5 मिनट। तो ये मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में दिखेगा आपको। ये सारा पीछे में मार्केट है, शाम को आपको मार्केट दिखाएंगे, घुमाएंगे आपको। और अभी फ़िलहाल घर की तरफ बढ़ते हुए और 5 मिनट वेट कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट। और धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है। पहुंच गया और ये पीछे रहा मेरा घर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, इसमें अभी प्लास्टर कराना है, पेंट कराना है, कुछ काम बाकी है तो वो भी करवा लेंगे। घर में चलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। और ये देख रहे हैं चारों तरफ पीछे हरियाली हरियाली। बोल रहा था मेरे फैमिली से मिलवाऊंगा। ये है मेरे पापा, अभी जानते हैं विदेशस लोग का लाइफ, सुबह से उठ जाते हैं, सारा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और हम लोग सिटी में रहते हैं, हम लोग का भी काम रहता है, बट यही रहता है कि आज किसी भी तरीके से जल्दी होके ऑफिस निकल जा रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों का काम रहता है कि घर का थोड़ा बहुत काम करके फिर निकल जाते हैं, वो भी अपने काम से। जैसे पापा तो मेरे टीचर हैं तो वो पढ़ाने निकल जाते हैं स्कूल। और ये रहा पीछे मेरा घर और ये मेरा एक डॉगी कालू। ये है मेरा डॉगी कालू सेठ, मेरी दो बहन है, तो इसका नाम है खुशबू और ये है चांदनी। और कालू सेठ हाय बोल दो। हाय कालू सेठ, हाय हाय बोलो कालू सेठ, हाय बोलो। ये अभी पहुँची अपना लेके संभाल रहे हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। और
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू।